बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम तलबा और तलबात के लिए तालीमी विधान से एक बड़ी और आम खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के मुताबिक तमाम तलबा और तलबात को एक बड़ी और अहम अपडेट से आगाह करने जा रहे हैं। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को मालूम है, मुल्क भर के अंदर गुज़िश्ता दिनों के सर्दी के जो मुसलसल एक नई लहर दाखिल हुई, इस वाले से तलबा भी परेशान थे और सर्दी के जो शिदत में इजाफा हुआ, उस वाले से दीगर तमाम तलबा और तलबात के लिए बड़े फैसले किए कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने के मुताबिक। और एक बड़ी अपडेट तमाम तलबा और तलबात तो ये भी देने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि छुट्टियों के मुताबिक विंटर वेकेशन के मुताबिक तमाम तलबा के लिए NCUC ने फैसले किए। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने जो अपनी राय का इजहार किया छुट्टियों के मुताबिक, मुराद राज का आपका ट्वीट आया जो कि पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर है, फिर इन फैसले के हवाले से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है तमाम तलबा के लिए। एक सूबे ने बाकायदा तौर पर अपना फैसला तब्दील कर दिया, इस हवाले से एक बड़ी अपडेट से तमाम तलबा और तलबात को आगाह करने जा रहा हूँ। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के मुताबिक तमाम तलबा और तलबात के तमाम तालीमी इदारों के मुताबिक ये कहना है कि एक सूबे ने बाकायदा तौर पर छुट्टियों का एक नया ऐलान कर दिया है, यानी कि अब नई तारीख से छुट्टियों जो है वो दी जाएंगी। नया शेड्यूल जो है वो बताया जा रहा है कि अपडेट इजराइल की तरफ से मुकम्मल और हम इन्फॉर्मेशन तमाम स्टूडेंट्स को देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले तमाम बच्चों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर कर दें ताकि हर अपडेट तालीमी इदारों से रिलेटेड आपको मिल सके। जी हाँ स्टूडेंट्स, इजराइल की तरफ से अपडेट सामने आ रही है तमाम तलबा और तलबात के लिए। ये अपडेट जो है वो कन्फर्म नहीं है कि सिंध ने यह फैसला किया है कि तमाम तालीमी इदारे जो है वो NCUC की तरह पहले 20 तारीख का कहा जा रहा था लेकिन अब 3 जनवरी से, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। फिर बता रहा हूँ तमाम तलबा को, एक जरा की तरफ से अपडेट सामने आई है, ये कंफर्म अपडेट नहीं है।